अभिजीत भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई नए बाइक के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। दिस इज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सारे लोग मेरी तरह बढ़िया होगे, एकदम बढ़िया ही रहना गाइस। और आज ना एक्चुअल में गुड मॉर्निंग हो रहा है क्योंकि अभी लगभग सुबह के 6:30 हो रहे हैं। आज सुबह में सही टाइम पे मैं सो करके उठ गया क्योंकि भाई आज अपने को जाना है हाईवे पे, यानी कि आज होने वाला है संडे का मॉर्निंग वाला राइड। रात को ना मैंने बाइक वॉश करा ली थी, प्रेशर वॉश नहीं करा पाया, बस ऐसे ही नॉर्मल वॉश करा पाया, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी लगी हुई है, व्हील पे थोड़ी सी गंदगी लगी हुई है। मतलब प्रॉपर तरीके से अपनी बाइक क्लीन नहीं हुई, बट ऊपर ऊपर से क्लीन हो चुकी है क्योंकि हमारी बाइक हद से ज्यादा गंदी होकर के रखी थी। लगभग 2-3 महीने से मैंने वॉश कराया नहीं था, तो मैं सोचा एक छोटा सा वॉश करा लेता। और यहाँ पे गाइस सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कर, जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये जो अभी अपनी कार है ना भाई, इसका हालत थोड़ा सा खराब हो करके रखा है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हो। यहाँ पे इतनी सारी चीजों देखने के बाद ना आप लोगों को लग रहा होगा कि ज्यादा कंडीशन खराब है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना किधर पे दिखाऊं, इधर पे ना कहीं पे एक स्विच टाइप का होता है, कुछ एक स्विच होता है, मतलब ऐसा कोई एक स्विच इधर अंदर की तरफ लगा होता है, वो ना खराब हो गया था। राइट साइड के सस्पेंशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने सस्पेंशन ठीक करने के लिए मैकेनिक के पास दिया। तब मेरे को पता चला कि यहाँ का जो एक्सेल होता है, एक्सेल खराब है, तो मैंने एक्सेल रिपेयर कराया। एक्सेल रिपेयर वगैरह कराने के बाद ना एक मोटा खर्चा, मतलब मोटा बिल बन गया था। वो पे करने के बाद जब मैं गाड़ी घर पे लेकर के आया ना, तब पता चला कि थोड़ा सा हैमर वगैरह लगने के कारण, प्रेशर पड़ने के कारण वो सेंसर खराब हो चुका है। फिर मैकेनिक वाले भैया को मैंने यहीं पे बुलाया, वो आकर के देखे तो सेंसर खराब हुआ, सेंसर का सैंपल लेकर के चले गए। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है भाई, आज आप लोग बाइक पे व्लॉग को एंजॉय कर लो, फिर नेक्स्ट वाला व्लॉग प्रोबेबली आप लोगों को अपनी कार पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपनी बाइक को यहाँ पे कर लेते हैं कोल्ड स्टार्ट। बहुत जल्द अपना फोर व्हीलर का लाइसेंस अपने पास घर पे डिलीवर हो जाने वाला है, उसके बाद भाई एक फोर व्हीलर पे लॉन्ग ड्राइव करने वाले हम लोग। इस बार राइड पे हमारे साथ, मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि अपनी कार भी जाएगी, अपनी बाइक भी जाएगी, मतलब एक तगड़ा वाला राइड का प्लान कर रहा हूँ। एंड सुबह सुबह मॉर्निंग के वाइब्स चेक कर सकते हो भाई, सारी दुकानें बंद पड़ी है, पूरा रास्ता क्लीन हो रखा है, क्या मस्त वाइब आता है भाई मॉर्निंग के टाइम पे। मेरे को ना अभी थोड़ी सी ठंडी ठंडी वाली वाइब आ रही है क्योंकि सुबह का टाइम है ना, तो अभी ठंड भी आने वाला है, मतलब अक्टूबर का मंथ चल रहा है, नवंबर का मंथ आने वाला है, इसमें थोड़ी सी रिफ्यूलिंग कर लेते हैं। तो टाइटल एंड थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज अपन अकेले मॉर्निंग राइड नहीं कर रहा है, हमारे साथ में जा रही है भाई लेडी राइडर, राइडर गर्ल चीकू। तो आपका भाई RS 200 पे और वो R15 पे, भाई दोनों टक्कर की बाइक आज जाने वाली है हाईवे पे। बहुत दिनों से मन था दोनों के बीच में ड्रैग रेस करवाने का, तो चीकू को थोड़ा सा एक ड्रैग रेस ऑफर करेंगे। भाई ऐसे खुले खुले रास्ते, क्लीन रास्ते, विदाउट ट्रैफिक वाले अगर जो पूरे कोलकाता में हो गया ना, तब तो मजा ही आ जाएगा, तब तो आपका भाई डेली मोटो व्लॉग बनाने निकलेगा। तो फाइनली यहाँ पे सीन में आकर के पहुंच चुकी है द लेडी राइडर, है राइडर गर्ल चीकू अपने R15 के साथ में। भाई साहब रेस वेस होगा कि नहीं होगा, करोगी ना? हा? पक्का ना? आज भाई चीकू के साथ में ड्रैग रेस लगने वाला है, ठीक है, यानी कि आज अपनी R15 और RS 200 का हम लोग ड्रैग रेस करेंगे, खींचेंगे, पुल करेंगे, देखते हैं फिर कौन जीतता है। और बहुत सारा में कमेंट आ रहा था कि तुम्हारा हाइट कितना है, मतलब हाइट कितना है, मतलब 5 फुट 3 या 3.5 या 4 इंच नहीं आ रहा तुमको, ऐसे टो करके रखना पड़ रहा ना दोनों तरफ, मतलब अच्छे तरीके से पैर नहीं आ रहा, क्या ज्यादा यार पैर नहीं आ रहा तुम्हारा ठीक से, काफी है इतना से रुक जाती है ना बाइक। समझ रहे हो आप? जब इस फ्लाईओवर से होकर के गुजरता हूँ, मोटो व्लॉग के मूड में रहता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं व्लॉग जरूर से करता हूँ। और ये लड़की भाई आज हाईवे पे पूरा तबाही मचाने वाली है भाई, ऐसी हार गई तुम तो। Here is the toll gate, जो हमें कोलकाता के साथ हावड़ा को कनेक्ट करता है, हुगली को कनेक्ट करता है। अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि हाईवे में सुपर बाइक देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पे गाइस एक मस्त वाला लीन है, मस्त वाला, क्या पुल है,
है। फर्स्ट टाइम हाईवे पे उतर करके ऐसा खींचेगी भाई, मैंने सोचा नहीं था। ये फोर्थ गियर, भाई 120 में क्रॉस कर रही है लड़की कसम से। ये देखो एक्सीडेंट हो जाएगा इसके वजह से। यहाँ से जो दिल्ली का हाईवे है ना पूरा एकदम अच्छा बन रहा है, जिसके कारण से ना अभी इधर पे सुपर बाइक्स वगैरह सुपर कार वगैरह संडे को ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, सारे के सारे जो NH6 पे जाते हैं। चलते चलते मुझे यहाँ पे क्या मिल गया भाई, रेल का सस्पेंशन। फाइनली गाइज हम लोग आकर के पहुंच चुके हैं होटल नबन्ना में। इधर पे हम लोग करेंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि सुबह से कुछ हम लोग खाए पिए नहीं है। नहीं गिर जाएगा वो। ऐसा लगा राइड करके, मजा आया ना। 8 बज गए, हम लोगों का प्लान था ना कि सुबह के 6 बजे तक, मतलब 6 बजे तक इधर आ जाएंगे, 8 बजे तक रिटर्न घर को चले जाएंगे। सबसे पहले ऑर्डर किया ये मौसम्बी का जूस, इसको खाली कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया यहाँ पे राधा बल्लभी, यानी कि पूरी सब्जी बेसिकली बोले तो। आलू पराठा भी साथ साथ में ऑर्डर किए, यहाँ पे एक पानी का बोतल भी ऑर्डर किया। तो फिलहाल यही कुछ हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट है। संडे को ना बेसिकली हाईवे वगैरह पे ना बहुत ज्यादा राइडर होते हैं, बट वो इस हाईवे पे नहीं होते, वो NH6 पे होते हैं। तो मुझे वो हाईवे पे क्यों नहीं लेके गए जहाँ पे राइड होता है। यहाँ भी राइड हो, अब जिसको जैसा पसंद है। देखो मेरे को ना भीड़ भाड़ में ज्यादा पसंद नहीं है, और बेसिकली कोलकाता के राइडर्स में और मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी में क्या है ना कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है ना। तो मेरे को ये सारी चीजों में पढ़ना नहीं है, इसीलिए बेसिकली संडे राइड करता नहीं हूँ, और जब भी करता हूँ भाई अपना अलग ही करता हूँ। राइडर है तो राइडर का वही पहचान होता है कि इंडिपेंडेंटली राइड करो, ठीक है ना, किसी के ये में आकर के। या मतलब जो लोग राइडर है, जो लोग ग्रुप वगैरह राइड में करते हैं, वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे हमारा आ चुका है गर्मा गर्म आलू के पराठे। यहाँ पे हमारे साथ में दही आया है, 2 बॉइल्ड एग आया है, तो आओ शुरू करते हैं। तेरी आंखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूँ। तो गाइस यहाँ पे अपनी बन रही है अभी तंदूरी चाय, अपन पिएगा तंदूरी चाय मस्त। ये चेक करो क्या मस्त लगता है ना ये जब बनता है। अभी देखो ऐसे ना ऐसे मतलब बॉयल हो जाएगा पूरा। ये क्या डाले भैया, मसाला? ओ भाई साहब नाइस। ओ चाय नहीं पीती है, मैं सिर्फ चाय पी रहा हूँ। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, मैंने तुमको हरा दिया। ठीक है। ओह व्हाट अ जोक। ऑलराइट गाइस अभी हाईवे पे पूरा फुल एंजॉय करके वापस सिटी में आकर के पहुंच चुके हैं। और रिटर्निंग के समय कुछ खास दिखाने के लिए था नहीं, इसलिए मैं सूट वगैरह नहीं किया। और चीकू अभी पिछले वाले फ्लाईओवर से सीधा पकड़ करके अपने घर के तरफ चली गई है, मैं भी इधर से अपना घर चला जाऊंगा। बट घर जाने के पहले 2-4 इंपॉर्टेंट काम है, वो सारे निपटा करके मैं डायरेक्ट घर जाऊंगा, क्योंकि आज संडे है भाई, घर जाकर के पूरा चिल करने वाला हूं। सबसे पहले अपने अभिजीत भाई को कांग्रेचुलेशन भाई नए बाइक के लिए। भाई 4 दिन पहले ये बाइक का डिलीवरी लेकर के गया, आज ना भाई को नंबर प्लेट मिलने वाला है, मतलब नंबर प्लेट के लिए बेसिकली यहाँ पे आया। तो मैं ये बाइक कभी चलाया नहीं हूँ, आज फर्स्ट टाइम इसको चला करके देख लेते हैं साउंड कुछ ऐसा। इसका ऑन रोड कितने का पड़ा? ये 2,44,000 पूरा कैश में ले लिया। अरे भाई अमीर आदमी है, आराम से उतर। गियर में नहीं है तो ऐसे ऐसे छोड़ सकते हैं। इसका भैया बाइक का टॉप स्पीड बोला है 110 to 130, ऐसे ऑफ ये नॉर्मल और इधर से ऐसे ऑन। नई बाइक के खुशी में अभी हम लोग आए हैं, ये और 1590। यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे पार्टी वार्टी, बिरयानी बिरयानी खाएंगे गाइस संडे के दिन। भैया हेलमेट में कैमरा अच्छे से रखिए। यहाँ पे पराठा है,
चिकन चाप, यहाँ पे प्लेन सलाद है, पराठा है, चिकन चाप, और इधर पे एक हंडी बिरयानी भी, रायता वगैरह, मटन चाप, मटन चाप है, चिकन चाप। यही है हमारा आज का लंच। आने का तो पता नहीं कैसा टेस्ट है कि क्या है, बट यहाँ का जो एम्बियंस है और इधर पे जो म्यूजिक बज रहा है भाई, एक नंबर, एक नंबर। खाना भी यहाँ का सॉलिड है अमन भाई, खाएगा मजा आ गया चाप तो भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया, व्लॉग पसंद है जोर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, और अमन सौ पिसल का सब्सक्राइबर बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना गाइस, और भाई को फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन खिलाने के लिए स्पेशली, 300 का जगह 1500 कट गया। वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Okay.